खरगोन शहर के राधा कुंज में नगर पालिका द्वारा सफाई मित्र सुरक्षा शिविर क्षमता संवर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 400 से अधिक सफाई कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। बताया जा रहा है कि सरकार की मंशा अनुरूप स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। ऐसे में शनिवार शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान सफाई कर्मियों ने समस्याओं से अवगत कराया, जिसका तत्काल निराकरण करने नगर पालिका अमले ने स्वच्छता क्षेत्र में प्रदेश में मिसाल कायम करने की बात की। साथ ही सफाई कर्मियों को मिलने वाली सुविधाओं से अवगत कराते हुए उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने का भरोसा दिलाया गया। इस अवसर पर नगर पालिका CMO स्वास्थ्य अधिकारी प्रकाश शित्ते सहित नगर पालिका महकमा मौजूद रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। आज जो ये कार्यशाला का आयोजन हुआ है, इसका यही उद्देश्य है कि मतलब शासन की तरफ से जो होना चाहिए सुविधाएं व्यवस्थाएं, जो मतलब सफाई मित्र का कार्य के वक्त जो सुविधाएं देनी चाहिए वो देते हैं, और ऐसी कार्यशालाएं आयोजित होती रहनी चाहिए। और जो हमारी भी समस्या थी, हमने CMO सर को भी अवगत कराया। CMO सर ने हमको पूर्ण भरोसा दिलाकर मतलब साधन करवाया हमारे उन मतलब जी, उसमें जैसे स्वास्थ्य संबंधित है, पेंशन बीमा है, इसी मतलब बहुत सी योजना है जो इससे अवगत कराया हमको। क्या नाम है आपका? शोएब खान। ये है कि हमारे जो स्वच्छता कर्मी है वो उनका प्रशिक्षण आयोजित करके उनका कार्य क्षमता में वृद्धि हो, उनकी क्षमता वर्धन हो, और इसी के उद्देश्य से ये कार्यशाला आयोजित की गई है। और ये पखवाड़ा हमारे शासन के निर्देश अनुसार चल रहा है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी इसमें, उसके उद्देश्य यही है कि शहर स्वच्छ रहे और हमारा मध्य प्रदेश स्वच्छ रहे और देश स्वच्छ रहे, ये इसका उद्देश्य है। और इसी के तारतम्य में ये प्रशिक्षण का आयोजित किया गया। किस तरह के क्या समझाइश हो गया जी, क्या इन लोगों को क्या सुझाव दिए जा रहे हैं? इनको हम मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आपको क्या यावरी कठिनाइयां आ रही है, उपकरण का आप कैसा इस्तेमाल करते हैं, मशीनों को हमारे सीवरेज जो रहती है उसमें किस हिसाब से आपको व्यवस्था के उपकरण के साथ कार्य करना चाहिए, इनको तकनीकी रूप से भी हम इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।